हमेशा की तरह आज भी संसद और देश में बिहार चर्चा का विषय बना हुआ है। आज किसी पुल या किसी आपराधिक घटनाओं की वजह से नहीं बल्कि एक मांग की वजह से है। वो मांग थी बिहार को विशेष राज्य के दर्जे के लिए। जी हाँ, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिए जाने की मांग अक्सर उठती रहती है। कभी RJD, कभी JDU तो कभी LJP इनकी मांग संसद में उठाती रही है, लेकिन इस बार भी जदयू को विशेष राज्य के मामले में उनके हाथ निराशा ही लगी है। NDA में भाजपा के प्रमुख सहयोगी JDU द्वारा बिहार के लिए विशेष दर्जे की मांग के बाद वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने लिखित जवाब दिया है। उन्होंने जवाब में कहा कि अंतर मंत्रालयीय समूह यानी IMG की 2012 की रिपोर्ट के मुताबिक बिहार को विशेष राज्य दर्जा नहीं दिया जा सकता। ये रुख बिहार में भाजपा के सहयोगियों द्वारा पिछड़े राज्य के लिए दर्जा मांगे जाने के एक दिन बाद आया है। मानसून सत्र के पहले दिन लोकसभा में एक लिखित उत्तर में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने कहा कि अतीत में राष्ट्रीय विकास परिषद यानी NDA द्वारा कुछ राज्यों को विशेष श्रेणी का दर्जा दिया गया था, जिनकी कई विशेषताएं ऐसी थी जिन पर विशेष विचार करने की आवश्यकता थी। आइए जानते हैं किन राज्यों को विशेष दर्जा दिया जाता है। इनमें पहाड़ी, कठिन भूभाग, कम जनसंख्या घनत्व या आदिवासी आबादी का बड़ा हिस्सा, पड़ोसी देश के साथ सीमाओं पर राजनीतिक स्थान, आर्थिक और बुनियादी ढांचों का पिछड़ापन और राज्य के वित्त की गैर व्यवहार प्रकृति शामिल है। मंत्री ने JDU सांसद रामप्रीत मंडल द्वारा पूछे गए एक प्रश्न के उत्तर में कहा कि ये निर्णय ऊपर सूचीबद्ध सभी कारकों और किसी राज्य की विशिष्ट स्थिति के एकीकृत विचार के आधार पर लिया गया है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि इससे पहले विशेष श्रेणी के दर्जे के लिए बिहार के अनुरोध पर अंतर मंत्रालय समूह ने विचार किया था, जिसने 30 मार्च 2012 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। IMG इस निष्कर्ष पर पहुंचा था कि मौजूदा NDC मानदंडों के आधार पर बिहार के लिए विशेष श्रेणी के दर्जे का मामला नहीं बनता है। उस समय कांग्रेस के नेतृत्व वाली UPA सरकार सत्ता में थी। JDU नेता संजय कुमार झा ने रविवार को एक सर्वदलीय बैठक में अपनी पार्टी की मांग को उठाया था। भाजपा की सहयोगी लोक जनशक्ति पार्टी और विपक्षी RJD ने भी बैठक में यही मांग दोहराई थी। हालांकि JDU ने केंद्र को पहले ही बता दिया था कि अगर राज्य को दर्जा नहीं दिया जा सकता है तो वो विशेष वित्तीय पैकेज के लिए तैयार है। BJD और YSR कांग्रेस ने बैठक में क्रमशः उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के लिए यही मांग की थी। सरकार ने पहले भी तर्क दिया था कि 14वें वित्त आयोग की रिपोर्ट में किसी और राज्य को दर्जा दिए जाने की संभावना को खारिज कर दिया गया है, जिसमें लाभार्थी राज्यों के लिए राहत और उच्च केंद्रीय वित्त पोषण शामिल है।